क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। ये शायरी मैं विकास दिवकेट्टी सर के एक शॉर्ट वीडियोज में देखा था। वैसे तो ये जावेद अख्तर जी का बड़ा अच्छा लाइन है और बहुत डीप मीनिंग है इसका। और आज का जो वीडियो है उसके लिए तो बहुत ही परफेक्ट बैठता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें। जो बिगिनर्स हैं, जो अभी एडमिशन लिए हैं, या जिन्होंने अभी यूपीएससी के लिए कभी सोचा नहीं है, क्या वो यूपीएससी कर सकते हैं? क्योंकि इसके पहले जो मैं वीडियो दिया था वो दिया था कि बीएचयू से यूपीएससी की रिजल्ट क्यों नहीं निकलते हैं। तो जरूरी है कि बीएचयू से यूपीएससी की रिजल्ट कब निकलने लगेंगे अब ये भी बताना पड़ेगा, सुझाव देना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा। सो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि आज उन्हें यह ज्ञान हो जाए कि वो एक ऐसे सर्वविद्या के राजधानी में अध्ययनरत हैं जहां से वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसका एक बहुत ही आसान रास्ता है, पढ़ाई करना होगा। मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनना है, एक दिन का रेस्ट लेना है और उसके एक दिन बाद से आपको लग जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो एक बिगिनर्स जो होता है, एक जो नवजात शिशु की तरह जिसको कुछ नहीं पता है वो कैसे शुरू करें, इस मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे खुद को समझाना पड़ेगा कि आप लोग इतने छोटे नहीं हो। पहले जब यूपीएससी के रिजल्ट्स आते थे तो मुझे लगता है कि शायद वो न्यूज़पेपर में उसके रिजल्ट प्रिंट होते हों और बहुत ही पढ़े लिखे तक वो बात पहुंचती है कि रिजल्ट आया है, और उसके बाद ना उसका कोई चेहरा देखता था, ना ही उस आदमी को कोई जान पाता था, और वो ट्रेनिंग लिया और अपने ड्यूटी पे चला गया। जबकि आज के इस समय काल को देखा जाए, रिजल्ट आते ही फर्स्ट रैंक वाला पूरे इंडिया में फेमस हो जाता है और उसके बाद कई सारे टॉपर्स की लाइनें लग जाती हैं। हम लोग उसके स्टाइल्स, उसके स्पीचेस, कोचिंग्स में जाने की जो पूरी प्लानिंग होती थी, कहाँ पढ़ता है, और उनके बहुत सारे शॉर्ट्स एज ए रील में हम लोग देखने लगते हैं और अपने स्टेटस पे लगाने लगते हैं। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी का जो आज की डेट में एक स्टारडम है, जो एक अहमियत है, जो एक पहचान है, जो उनका एक लग्जरियस लाइफ है, वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो यूपीएससी क्यों करना चाहिए, इसका आंसर हम लोग खुद अपने स्टेटस पे लगा के जान चुके हैं कि यूपीएससी में जितने भी रैंक कैटेगरी वाइज जो जॉब हैं वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, आप कितना कुछ कर सकते हो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जिले, अपने प्रदेश और अपने देश के लिए। आज मैं बहुत सारे पॉइंट्स लेकर आया हूं, एक एक पॉइंट्स को समझाऊंगा, आप उसको फॉलो करिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके रिस्पांस बेसिस पे, और आप भी मेरे से उम्मीद कर सकते हो, इसकी पूरी सीरीज ले आऊंगा। यानी प्रिंस जो आपका प्री का प्रिपरेशन होगा, मेंस की जो राइटिंग होगी, साथ ही साथ ऑप्शनल के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, एक एक पॉइंट्स को एज ए बिगिनर हम लोग देखेंगे। बस मैं आपके अंदर एक जोश जगाना चाह रहा हूं। बाकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा और बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी मैं आपके पैसे नहीं खर्च कराना चाहता। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैं और आप एक ही रास्ते पे हैं, बस हम लोग के लक्ष्य अलग हो सकते हैं, तय दोनों को करना है एक समय के दरमियान।
लेकिन मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊं, उससे पहले कुछ बातें हमारे और आपके बीच में होनी चाहिए, और वो ये है कि क्या आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, और यदि बनना चाहते हो तो वो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको बनने नहीं दे रही हैं। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है विश्वविद्यालय को लेके या मेरे उम्र में दोस्ती यारी और मेरे छात्रों के बीच में, वो यही कहता है कि हम सब भूल जाते हैं, जो मेरा सबसे कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों को देख के लगता है, एडमिशन के दरमियान जो जोश होता है या प्रिपरेशन के दरमियान जो जोश होता है, वो एडमिशन के फर्स्ट सेकेंड सेम जाते जाते बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाता है। वो जो उबाल है, जो जोश है, जो गर्मी है, वो ठंडा हो जाता है। बेसिकली हमें उसको फिर से एक बार दूसरे तरीके से रिन्यू करना है। अब बात आती है कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से डायवर्जन हैं, ऐसे कौन कौन से भटकाव हैं। उस भटकाव के लिए मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने नहीं देता है, तब मैं किसी दूसरे वीडियोज में उसको एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर पाऊंगा कि उन सभी भटकावों को आप कैसे दूर कर सकते हो। आज चूंकि मेरे इस वीडियो को बहुत सारे नए बच्चे देखेंगे, तो मैं सीधे आता हूं अपने पॉइंट्स पे। इन सभी पॉइंट्स को आराम से सुनो, समझो, और एक दिन का यानी 24 घंटे का 24 आवर्स का रेस्ट ले लेना, और ये रेस्ट आपके पूरे प्रिपरेशन के दरमियान कई बार आपको लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। आपको आज मैं एक माहौल बनाने की बात करूंगा, और इस माहौल को बनाने से पहले आपको थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा। तो आइए उन सभी पॉइंट्स को हम लोग पहले देखते हैं। यहां पे स्क्रीन पे कुछ 10-11 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है योर सेल्फ। प्रिपरेशन बिफोर प्रिपरेशन, आपको खुद को पहले बनाना है इस प्लेटफॉर्म के लिए। आप कितने काबिल हो खुद जज कर लो एक बार बैठ के। आप काबिल नहीं हो तो भी आप इसके लिए काबिल बन सकते हो। आपको थोड़ा बैठना है, मनन करना है, सोचना है कि जीवन में आगे क्या करना है, घर की परिस्थिति कैसी है। आप किसी को देखते हो तो आपको क्या लगता है कि हाँ हमें वो चीज मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ है तो आप खुद की तैयारी में लग जाओ। सेकेंड पॉइंट है इंफॉर्मेशन, इन्फो, यानी आपको यूपीएससी का एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में गैदर करना है, इकट्ठा करना है। जैसे कि आप जब बीएचयू की तैयारी करते थे तो आपने देखा कि उसमें एप्टीट्यूड सेक्शन आता है, उसमें लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज में ग्रामर है, थोड़ा सा वहां पे रचना करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब सीयूईटी आया तो सीयूईटी में लैंग्वेज आया, डोमेन आया, जीटी आया, फिर जीटी में एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, आप एक पूरा प्रोफार्मा जानते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, अटेंड 45 करना है, इस क्वेश्चन करीब 3 मार्क्स है, कहीं पर 4 मार्क्स है, निगेटिव मार्किंग ये है, यानी इसका एक फुल इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना है। मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में खुद एक बुक है, तो आपको तो पहले बस सिलेबस यानी इस इंफॉर्मेशन के अंदर बस इंफॉर्मेशन गैदर करने में 1 वीक आराम से लगेगा। सेकेंड पॉइंट जो मैंने यहां पे लिख रखा है वो है सिलेबस, पाठ्यक्रम। आपको इस पूरे यूपीएससी का सिलेबस याद होना चाहिए, जिससे कि आप जब भी पढ़ाई करो, चाहे अपने सेमेस्टर्स की बुक पढ़ो, चाहे आप लाइब्रेरी में कोई बुक पढ़ो, चाहे अपने दोस्तों से शेयर करो कुछ, या कोई डिबेट डिस्कशन चल रहा हो, न्यूज देख रहे हो, व्हाट्सएप पे कुछ आया, वो हर कुछ आप रिलेट कर सको सिलेबस से कि अच्छा ये हमारे लैंग्वेज पेपर से रिलेट है क्या, ओ माय गॉड ये तो जीएस पेपर से है, ये ऐसे राइटिंग में काम आ जाएगा क्या, अच्छा ये हमारे ऑप्शनल के लिए बड़ा अच्छा पड़ेगा, या ये हमारी प्री के प्रिपरेशन के लिए सही है।
तो आपको सिलेबस अपने मानस पटल में बैठाना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे जो पॉइंट मैंने लिख रखा है वो है प्लानिंग। जब आप पूरा सिलेबस देख लेते हो, इसका पूरा इंफॉर्मेशन आप तक हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग एक प्लानिंग तैयार करेंगे। प्लानिंग इट मींस कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको पता होना चाहिए। तो कितने अटेम्प्ट में आप, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जोश हमारा एक समय अंतराल तक होता है, एक पर्टिकुलर समय तक आपका जोश आप तक कायम रहेगा, जो पढ़ाई का जोश है। तो ये जोश जरूरी नहीं है कि एक अटेम्प्ट देने के बाद डाउन हो जाए। इसीलिए आप हमेशा एम्बिशियस इतना रहो कि आप कम से कम दो तीन अटेम्प्ट तक अपने आप को बनाए रखो। मैं सच बताऊं, ये बड़ा ही गोल्डन टाइम है कि आप यूजी लेवल पे इसके लिए सोचना शुरू कर दे रहे हो। मैं आपको सच बताऊं, आप कितने भी टॉपर्स, कितने भी क्रैक के हो, यूपीएससी एस्पिरेंट के वीडियोस देख लो, वो हमेशा आपको यूजी लेवल पे बहुत मोटिवेट करेंगे। क्योंकि बाद में तो बहुत फोर्स हो जाएगा ना, बहुत प्रेशर बनने लगेगा फैमिली का, जॉब का, कैरियर का। लेकिन अभी तो हमारे पास यूजी का पूरा एक जॉब है, नौकरी है। इस नौकरी को करते हुए आप इस नौकरी की तैयारी आराम से कर सकते हो। तो ये सजग होने की बात मैं कर रहा हूं। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है, नहीं निकलता वो बाद की बात है। एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे, एक डिसिप्लिन लाइफ आपको मिल जाएगी, और इसके नीचे बहुत सारे छोटे एग्जाम है जो आपको आराम से मिल जाएगा। और मैं आपको तैयारी करने का एक दूसरा रीजन बता देता हूं। यूपीएससी की तैयारी इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि आपके इस समय जितने सहपाठी हैं पूरे देश में, आपके इस उम्र में, आपके इस एज ग्रुप में, आपके इस कोर्स में, वो लगभग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप नहीं करोगे तो आप छूट जाओगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि इस समय कोई भी कमीशन है जो एग्जाम कराते हैं, चाहे स्टेट लेवल पे चाहे सेंट्रल लेवल पे, लगभग उनका पाठ्यक्रम सब का सब सेम है। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे, ऑटोमेटिकली आपका ये पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा है कि आप एक बार इस यूपीएससी की तैयारी करके जरूर देखो। यदि आपका कोई मैनेजमेंट में या किसी लॉ में इंटरेस्ट ना हो तब की बात कर रहा हूं, बाकी ये यूपीएससी वालों के लिए है। तो प्लीज आप यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह इस वीडियो को देखें। एक प्रॉपर टाइम टेबल की बात यहां पे मैं कर रहा हूं, यानी इस 24 घंटे को, 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। कितने घंटे की स्टडी, स्टार्टिंग के 3 महीने रखने हैं, फिर उसके बाद 3 महीने रखने हैं, फिर उसके बाद 3 महीने रखने हैं। हमें कितने महीने तक प्री की प्रिपरेशन करनी है, कितने महीने तक हमें मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है। ऑप्शनल की तैयारी के लिए तो मैं एक अलग ही वीडियो ले आऊंगा, क्योंकि ऑप्शनल की तैयारी हम अपने यूजी के प्रिपरेशन के दरमियान बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट का विषय होता है, वो हमारे च्वाइस का विषय है, हमारा पसंदीदा सब्जेक्ट है। और ऑप्शनल इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, वेटेज बहुत ज्यादा है। टाइम टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी दिमाग में ध्यान रखना कि कभी भी टाइम टेबल पूरा फॉलो नहीं होता है, लेकिन आप विजेता हो जाते हो यदि अपने टाइम टेबल के एक पर्टिकुलर पॉलिसीज को फॉलो कर लेते हो तब। यानी आप जब उसको बना रहे थे तो आपने उसको इतना हार्ड बनाया ही नहीं था कि बाद में रोना पड़े और बाद में एक दिमाग में टेंशन चला जाए। आप इसको बार बार सोच रहे हो कि अरे यार आज मैंने पढ़ाई नहीं करी, आज मैंने इतने घंटे कम पढ़ाई करी, ये सब्जेक्ट छूट गया। क्योंकि इस पूरे प्रिपरेशन के दरमियान आपको टेंशन में, डिप्रेशन में नेचुरली तो जाओगे, बनावटी रूप से मत जाना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो भी 24 आवर्स होंगे उसके लिए एक टाइम टेबल की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइम टेबल का वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, यानी बिगनर्स के लिए पूरा लाऊंगा। जैसा कि मैं बताया, अबाउट 50 वीडियो यूपीएससी के मैं पूरा फॉलो करने वाला हूं, ठीक है। सेकेंड है यहां पे, उसके बाद करंट अफेयर्स, सीए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और सबसे अच्छी बात है कि करंट अफेयर्स के लिए आपको पैसे नहीं खर्च करने, कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करना है, कोई स्टडी मटेरियल पैटर्न फॉलो नहीं करना है। डेली के डेली हमारे पास एज अ न्यूज, एज अ न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स अवेलेबल है। उसके कुछ पर्टिकुलर पेजेज आपको पढ़ने हैं, पूरे गांव समाज की बातें नहीं सुननी है ना ही पढ़नी है। आपको बस एक फिक्स टाइम में यानी 24 मिनट्स और 30 मिनट्स यानी 30 से 45 मिनट का टाइम दे के आपको हिंदी या इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है। बस इतना आसान सा काम करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख रखा है ऑप्शनल, लेकिन मुझे लग रहा है इस वीडियो में ऑप्शनल की बातें अभी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ऑप्शनल के लिए एक सेपरेट वीडियो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसको समझाऊंगा मैं। एनसीईआरटी, ये मैंने पॉइंट इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये अप्रोक्स सब लोग का रिकमेंडेशन है। चूंकि यूपीएससी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा संस्था है, वो एग्जाम करा रहा है, आपको जॉब दे रहा है, एनसीईआरटी भी गवर्नमेंट की है, तो ऐसे में वो अपने पूरे पैटर्न को एनसीईआरटी को बेस मानते हैं। और अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी अच्छी किताब भी है, बस थोड़े से उसमें रिफॉर्म कम हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दिनों एनसीईआरटी में बहुत सारे रिफॉर्म हो चुके हैं, हो रहे हैं। आप न्यू एडिशन का कोई एनसीईआरटी देख लो, क्योंकि कुछ चीज़ें अपडेट भी हुई हैं। बहुत सारे लोग एक बार आपको बोलेंगे कि आप ओल्ड वर्जन का ही एनसीईआरटी पढ़ो, तो खैर अभी तो यहाँ बस पढ़ाई के लिए बिगिनर्स की बात हो रही है, तो आप बाद में ये जज करना क्या गलत पढ़ लिया क्या सही पढ़ लिया। फिलहाल तो आपको एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की ह्यूमैनिटीज वाला स्ट्रीम का जितनी भी किताबें आप ले आओ, अप्रॉक्स 1600 से 1800 में आ जाएगा। या आपके पास वो किसी दोस्त के पास हो तो आप उसको 900-950 रुपये में जीरोक्स करा सकते हो, और ओके उसके बाद आप हाईलाइटर लेके एक एक किताब को पढ़ना शुरू कर दो। एक बच्चे का कमेंट्स देखा था कि सर हिंदी में स्टार्ट करें या इंग्लिश में स्टार्ट करें, इसके लिए भी मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं देना चाहता। राइटिंग, राइटिंग प्रैक्टिस, इट मींस कि नोट्स मेकिंग, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि आपका जो मेंस है वो पूरे के पूरे आपका 9 पेपर राइटिंग करनी है, आपको लिखना है, और करेक्ट लिखना, सही लिखना, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फास्ट लिखना। तो ये चीज़ें बाद में आएंगी, स्टार्टिंग में बस आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, और उस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के साथ साथ उसको राइटिंग करनी है। ये टोटल मैंने कुछ पॉइंट्स आपको समझाए। अब मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, वो ये है कि स्टार्टिंग के जितने भी, क्योंकि देखो BHU के सेमेस्टर एग्जाम में दम है नहीं, ये आपको पता है, हमें भी पता है, मैंने भी BHU से BA करा, आपने भी करा, कर रहे हो, तो हमें पता है कि उसमें कितना दम है। इसीलिए मैं आपको ऑप्शनल पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि ऑप्शनल के लिए आप लोग के लिए मैं एक्स्ट्रा एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें इसी सजेस्ट करूंगा। अभी के लिए बस जो मंत्र है वो यही है कि आपको पूरे सेमेस्टर कोचिंग दोस्ती यारी सब कुछ कंप्लीट करने के बाद 24 घंटे में 4 घंटे, चलो कम कर देते हैं 1 घंटे, 3 घंटे शुरुआत कर दो यूपीएससी के लिए पढ़ाई करना। यानी स्टार्टिंग में कुछ मत करो, आंख बंद करके जाओ, एनसीईआरटी ले आओ और उसको ही शुरू करो पहले, फिर उसके बाद आगे की बुक्स मैं रिकमेंड कर दूंगा। और दूसरा सजेशन ये है, यूट्यूब पे यूपीएससी वाले वीडियोस देखना शुरू करो। देखो यहां पे इंटरेस्ट जगाने की बात हो रही है। एक लास्ट में आपको बात बताता हूं, IIT वाले या इंजीनियरिंग वाले ज्यादा क्यों क्वालिफाई हो रहे हैं, या जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनका नाम अक्सर सुनने में आता है, क्यों? रीजन ये है, उनकी बैठक की ज्यादा है, जिसको बोलते हैं स्टेमिना। वो अपने IIT के प्रिपरेशन के दरमियान इतने पेन की स्याही खर्च कर चुके होते हैं, इतनी राइटिंग किए होते हैं, इतनी स्टडी किए होते हैं, कि उनके लिए यूपीएससी एक तरह से आसान हो जाता है। हम लोग पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उनकी तरह उतनी स्टडी हमने नहीं करी है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स में आप मुझे क्रिटिसाइज करोगे, वो अलग मुद्दा है, उस पर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये वीडियो बस बिगनर्स के लिए है। सो प्लीज आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करना, मैं सिंगल एक पर्सन का भी कॉमेंट पिक आउट कर लूंगा। ध्यान रखना, आप जो कॉमेंट करोगे उस पर वीडियो जरूर मिलेगा आपको, चूंकि मैं खुद चाहता हूं कि 24-25 तक हम में से कोई वीडियो देखने वाला यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचे या क्वालिफाई करे और BHU का नाम रोशन करे, बहुत मजा आएगा। सो कीप स्माइल, कीप मोटिवेट योरसेल्फ, खुश रहें, मस्त रहें, BHU पाठशाला देखते रहें,
और बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने स्टेटस पे लगाइएगा। और इससे पहले मैं दो वीडियोस दिया हूं, उन दोनों वीडियोस के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। सबसे बड़ी बात एक और बता रहा हूं, मैं सिलेबस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका भी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, हर हर महादेव।